जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ और थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सॉरी इसलिए क्योंकि जो मेरे पिछले वीडियो में आपको बहुत सारी दिक्कत आई, जैसे कि या तो आपको मेरा बोलने का स्पीड ज़्यादा लगा, किसी को जो मेरा वो फोटोज़ मैंने क्वेश्चन आंसर की डाली हो किसी को ठीक से दिखाई नहीं दे रही, तीसरा कि जो क्वेश्चन मैंने बोले वो कोई नोट नहीं कर पाया, उनको मेरी स्पीड ज़्यादा लगी, ठीक है वो वीडियो की। तो आज का मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ आप सबको, अभी मैं क्वेश्चन बोलते भी जाऊँगा और दिखाऊँगा भी साथ साथ में, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में भी है, तो जो इंग्लिश वाले वो तो समझ जाएंगे और जो हिंदी वाले हैं उनको मैं हिंदी में आपको समझाता भी जाऊंगा कि जो इंग्लिश में लिखा है उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ और थैंक यू इसलिए कि आपने मेरे को इतना वैल्यूबल फीडबैक दिया। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, NCC की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1948 में पारित हुई थी यानी इसकी बात चली थी और 15 जुलाई 1948 में स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, NCC के स्थापक कौन थे? पंडित हृदयनाथ कुंजरू। जो NCC की स्थापना हुई थी वो सबसे पहले पुणे गोरपड़ी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, NCC में गर्ल्स कब से आई? 1949। NCC में एयरफोर्स कब से आई? 1950। NCC में नेवी कब से आई? 1952। फिर NCC के फ्लैग 1954 में, ये फ्लैग आया था भारत में जो जिसमें तीन कलर होता है, लाल कलर आर्मी दर्शाता है, ज़्यादा गाढ़ा नीला कलर नेवी दर्शाता है और हल्का नीला कलर एयरफोर्स दर्शाता है। जो लेटर होता है NCC लिखा हुआ सोने के वाले कलर में, उसके आसपास जो लोटस होते हैं वो 17 लोटस होते हैं, वो 17 लोटस 17 डायरेक्टरेट्स को दर्शाते हैं और उन लोटस के ऊपर जो दो डॉट्स होते हैं वो 2 OTA को दर्शाते हैं। पहला होता है OTA ग्वालियर में जो MP में, दूसरा OTA कामटी में महाराष्ट्र। OTA का फुल फॉर्म ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। 7वां क्वेश्चन, कंपनी कमांडर कौन होता है? ANO एसोसिएट NCC ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 8, पुलवामा हमला कब हुआ? 14 फरवरी 2019, उस दिन था थर्सडे गुरुवार। क्वेश्चन नंबर 9, भारत चाइना गलवान घाटी का इंसिडेंट यानी जो अटैक हुआ था, चीनियों ने हमारे भारत के फौजियों पे अटैक किया था, वो हुआ था 15 जून 2020। फिर इंडिया के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के फर्स्ट राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया की फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इंडिया के फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह चुक्कर, इंडिया प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, फिर इंडिया की नेबर कंट्रीज यानी कि इंडिया के पड़ोसी देश अफगानिस्तान पाकिस्तान नेपाल भूटान श्रीलंका चाइना म्यांमार, फिर NCC का मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर यानी वर्तमान के भारत के प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी, फर्स्ट RBI गवर्नर चिंतन द्वारकानाथ देशमुख, प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया शक्तिकांता दास। क्वेश्चन नंबर 20, प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी जनरल मनोज मुकुंद नरावने। क्वेश्चन नंबर 21, प्रेजेंट नेवी चीफ एडमायरल कदमवीर सिंह, प्रेजेंट चीफ ऑफ एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदुरिया। क्वेश्चन नंबर 23, फर्स्ट एंड प्रेजेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत। क्वेश्चन नंबर 24, नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया नेम देम एंड देयर कैपिटल, देयर आर 28 स्टेट्स, ये 28 स्टेट्स के कैपिटल और उनके नाम है, ठीक है। ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो 25, टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड देयर नेम्स एंड कैपिटल, तो टोटल नंबर ऑफ 9 यूनियन टेरिटरीज है ये, ठीक है। और ये श्रीनगर गर्मियों के टाइम पे जम्मू कश्मीर का हो जाता है कैपिटल और ठंडियों में जम्मू हो जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बढ़ते हैं, फर्स्ट फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ये याद कर लो, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 27, एम ऑफ NCC, तो सबसे पहला है कि जो बंदे होते हैं उनको ट्रेनिंग देना, जो आजकल के यूथ जनरेशन है युवा है उनको मोटिवेशन देना प्रोत्साहन देना, उनको नेतृत्व करने की क्षमता और उन्हें कला सिखाना, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ जाते हैं, उनको एक ऐसा माहौल देना जिसमें वो अपना प्रोत्साहन हो सके और अपना जो आगे का भविष्य है वो देश की सेवा में लगा सके। फिर तीसरा, उनमें कैमरेडशिप डिसिप्लिन लीडरशिप यानी नेतृत्व करने की क्षमता, सेक्युलर आउटलुक
स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड आइडियाज ऑफ सेल्फलेस सर्विस अमंगस्ट द यूथ ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो देश के युवाओं में ये सारी क्वालिटीज डालना। फिर क्वेश्चन नंबर 28, फुल फॉर्म ऑफ NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। क्वेश्चन नंबर 29, फुल फॉर्म ऑफ DGNCC, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स। क्वेश्चन नंबर 30, NCC रैंक्स। ये रैंक्स सीक्वेंस वाइज याद कर लो, ये जो रैंक है कंपनी क्वार्टर मास्टर सर्जेंट, ये अपॉइंटमेंट होता है जो कैंप्स के दौरान मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ NCC कर्नल, लेटर रिटायर्ड एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, गोपाल गुरुनाथ बेबूर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 32, NCC सॉन्ग, ये तीन टाइप्स के सॉन्ग्स हैं जो अभी ये वाला चल रहा है हम सब भारतीय, ये दो सबसे पहले आए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 33, NCC सॉन्ग हम सब भारतीय है कब आया, जो अभी चल रहा है अक्टूबर 1982 में, और इसे लिखा गया है सुदर्शन फाकेर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, ये फुल फॉर्म्स, ठीक है, CMG, INSAS, SLR, LMG, MMG, RL, ये फुल फॉर्म्स भी बहुत जरूरी है, रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, रैंक्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो ये जो सारी रैंक्स है ये सबसे बेसिक है, यहाँ से बड़े होते होते होते, और ये इक्वलेंट रैंक्स है। ठीक है, अगर जैसे आर्मी में सिपाही है तो नेवी में उसी पोस्ट पे सेम होगा सीमैन, उसी पोस्ट पे होगा एयरक्राफ्टमैन, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, राइटिंग थोड़ी वैसी है पर देख लो। और ये 1-7 यानी 1-7 तक की जो रैंक्स है वो ऑफिसर रैंक से नीचे होती है, यानी कॉमन रैंक होती है। 8-16 तक की जो रैंक है उन्हें ऑफिसर रैंक्स कहते हैं, और जो ये 17 वाली रैंक है ये वॉर टाइम रैंक्स कहते हैं। तो अभी तक जो फील्ड मार्शल है सैम मानेकशॉ है, एडमायरल ऑफ द फ्लीट और मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अभी तक नहीं बने हुए। ठीक है, तो ये पढ़ लो अच्छे से, ये जरूरी है बहुत। क्वेश्चन नंबर 36, इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, ये डेट्स लिखी है, इंडिपेंडेंस डे की ये डेट लिखी है, आर्मी डे की लिखी है, नेवी डे की, एयरफोर्स की, पाकिस्तान डे, मार्टिर्स डे, वर्ल्ड एड्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ह्यूमन राइट डे, हिंदी दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, भारतीय प्रवासी दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे, यूथ डे, टीचर्स डे, किसान डे, नेशनल साइंस डे, नेशनल फ्लैग डे। ठीक है, तो ये सारी की सारी डेट्स लिखी है इंपॉर्टेंट वाली, और हो सकता है कुछ छूट भी गए हो तो वो देख लेना, पर ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है 37 क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड परमवीर चक्र, श्री सावित्री खानोलकर। फिर कलर ऑफ परमवीर चक्र, ब्रॉन्ज पर्पल रिबन होता है, वो जो उसका कलर होता है मेडल का ब्रॉन्ज होता है, जो उसका रिबन होता है पर्पल कलर का होता है। फिर प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर कौन है, ओम बिरला, BJP पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 40, फाइनेंस मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया, श्री निर्मला सीतारमन। फिर आर्मी में कितनी कमांड्स होती है, ये ट्रेनिंग कमांड, नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल और साउथ वेस्टर्न कमांड, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे वो भी याद कर लेना। ठीक है, फिर इंडियन गैलेंट्री अवार्ड 6 टाइप के होते हैं, ये वॉर टाइम अवार्ड्स और पीस टाइम अवार्ड्स, ये मैंने फुल फॉर्म लिखे PVC, MVC, VC। ठीक है, ये 6 गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, जिसमें सबसे हाईएस्ट होता है, सबसे जो ऊंचा वाला होता है वो होता है परमवीर चक्र। हाँ, इंडियन गैलेंट्री अवार्ड्स हो गए, और ये डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल्स है, यानी कि ये जो सेना मेडल्स, नौसेना मेडल्स और वायुसेना मेडल्स, ये बेसिक मेडल्स है तीनों के तीनों विंग्स के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के। फिर इंडिया की मेन रिवर्स और मेजर रिवर्स, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तापी, नर्मदा, गोदावरी, और बहुत सारी जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, और उनके स्रोत है कि वो कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पे जाके मिलती है। ठीक है, तो ये जरूरी है याद कर। फिर अगला क्वेश्चन आता है, NCC में कितने डायरेक्टरेट है, तो 17 डायरेक्टरेट है, उन 17 डायरेक्टरेट के नाम भी याद कर लेना। ठीक है, फिर है 10 फ्रीडम फाइटर्स के नेम, और इनके बारे में याद भी कर लेना, इनका इतिहास के बारे में, भूगोल देश का, कि इन्होंने क्या क्या किया, इनका मेन पॉइंट्स। फिर 46 क्वेश्चन, कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो मई 1999 से जुलाई 1999 में। फिर 47, उरी हमला कब हुआ, 18 सितंबर 2016 में, मेन हमले है देश के। क्वेश्चन 48, फुल फॉर्म्स, हु, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये BSF, NSG, HIV, IIT। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है, हो सकता है कुछ छूट भी गए हो तो देख लेना आप। 49 क्वेश्चन, आप NCC क्यों लेना चाहते हो, तो भाई देखो इस सवाल का जवाब आप ही को पता होगा। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट, कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड की डेट। फर्स्ट की डेट है 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक।
फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड, 1 सितंबर 1939 से लेके 2 सितंबर 1945, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। ये हर कोई भी एग्जाम में उसमें पूछी जाती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड की डेट, क्योंकि ये कॉमन डेट से ज़्यादातर को पता नहीं रहता। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और अच्छे से दिखाई भी दिया होगा क्वेश्चन और आंसर्स। ठीक है, तो अभी इनका प्रैक्टिस कर लो और जो टॉपिक्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे वो टॉपिक्स तो ज़रूरी याद करना, कि हो सकते हैं कि मेरे से कुछ छूट गया हो क्वेश्चंस में जो ज़रूरी भी हो, तो इसलिए सिर्फ इन्हीं पे बेस्ड मत रहना, ये तो बहुत ज़रूरी है, मगर और भी इनसे ज़्यादा बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो अपने से भी तैयारी कर लो और इनको भी ध्यान में रख लो, क्योंकि ये तो वो क्वेश्चंस थे जो बहुत जगह पे बहुत टाइम पे किस कोई भी टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको देखते हुए और बाकी क्वेश्चंस भी तैयार कर लो। तो आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा मदद मिली हो और मेरी आशाएं हैं, शुभकामनाएं कि आप भर्ती हो जाओ, NCC कैडेट बन जाओ एंड ऑल द बेस्ट। और सब्सक्राइब कर दो यार, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, और सपोर्ट करने के लिए मेरा थैंक्स। जय हिंद।